हेलो यार, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। तो आज का वीडियो होने वाला है MSN 1 के ऊपर और यह वीडियो नंबर आपका 21 है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा और चैप्टर वही चल रहा है रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम या रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के बारे में, मतलब श्वसन तंत्रीय समस्या जो होता है उसी के बारे में है। तो मैं एक चीज़ आपको एक फैक्ट बता दूँ और एक बेसिक चीज़ें बता दूँ कि ये सारा का सारा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फेफड़ा से लेकर श्वसन के बीमारी के बारे में। तो आपको नर्सिंग प्रबंध जो होगा ना माय डियर, नर्सिंग प्रबंध हो जाएगा, लक्षण हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है लगभग सब में मिलता जुलता रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होइएगा और एक हिसाब से देखा जाए तो आसान भी है टोटल के टोटल को पढ़ना। जैसे आप लोग अस्थमा देखे हैं, ठीक है, अस्थमा देखे हैं अभी तक, उससे पहले भी जो है हम आपको पढ़ाए हैं श्वसन वाले चैप्टर, श्वसन से संबंधित समस्या में। तो आप लोग देखते आ रहे हैं कि सब में लगभग जो लक्षण कारण नर्सिंग प्रबंध जो होता है लगभग समान है, चूँकि बीमारी के नाम अलग अलग है लेकिन लक्षण, अगर मान गया किसी को अस्थमा है तो उसको क्या क्या समस्या होगा, क्या क्या लक्षण दिखाई देगा, उसी प्रकार से अगर किसी को टीबी हो जाता है तो सेम सिचुएशन है, उसको भी लक्षण वही दिखाई देगा। हाँ, ये बातें अलग है कि अस्थमा श्वसन नली का समस्या है जबकि टीबी जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, लेकिन श्वसन नली और फेफड़ा एक दूसरे से तो कनेक्ट ही हैं। तो ऐसे में अगर जो लक्षण दिखाई देगा वो तो समान ही दिखाई देगा। इसी प्रकार से आज हम लोग देखेंगे COPD देखेंगे, उसी प्रकार से हम लोग आज देखेंगे निमोनिया के बारे में देखेंगे, जो कि सब के सब श्वसन फेफड़ा के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो जो भी लक्षण, जो भी कारण हो सकता है, नर्सिंग प्रबंध हो सकता है, ये सब लगभग सभी बीमारियों में एक जैसे जो है लगभग होगा। थोड़ा सा जो है चेंजेज हो सकता है, बाकी कुछ ज़्यादा चेंजेज नहीं है। अगर मान गए अस्थमा वाले मरीजों का नर्सिंग प्रबंध अगर आप TB वाले पेशेंट में लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हैं चीज़ों को। बस आपको ये याद रखना है, मैं एक बात कह देता हूँ, इस चैप्टर में ही श्वसन वाले चैप्टर में ही, श्वसन से संबंधित समस्या वाले चैप्टर में ही नर्सिंग प्रबंध सभी बीमारियों के लिए एक जैसा होगा, सीधी सी बात है, समझ गए। जो जो प्रबंध एक बीमारी में अगर आप कर दिए वो सारा प्रबंध जो है आपको हर एक बीमारी में करना पड़ेगा, चूँकि सब में कॉमन चीज़ें श्वसन का समस्या है ही, ठीक है। तो श्वसन का समस्या है तो उसके लिए प्रबंध आप कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, वो तो आपको लिखना पड़ेगा नर्सिंग में। तो सारा चीज़ें आपको बता चुके हैं, बस आपका दिमाग लगाना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे निमोनिया क्या होता है, पहला क्वेश्चन निमोनिया ही है, और इसके निमोनिया के कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, उपचार, नर्सिंग प्रबंध टोटल देखेंगे। तो आप सभी GNM सेकेंड ईयर, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं निमोनिया, आप लोग अच्छे से देखिए निमोनिया का यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया गया है। बहुत लोग जो है निमोनिया के मीनिंग इंग्लिश लिखने में ही गड़बड़ा जाते हैं, तो देख लीजिए ध्यान से, यही निमोनिया का इंग्लिश है, ओके। चलिए देखते हैं, माय डियर आपके सामने में यहाँ पे आंसर दिया गया है, निमोनिया एक फेफड़ा का समस्या है, ठीक है। निमोनिया एक फेफड़ा का समस्या है, फेफड़ा में जो ऊतक होता है पैरेन्काइमा, उसमें संक्रमण और पर्दा हो जाता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना ही निमोनिया कहलाता है। तो ये तो या एक लाइन के वर्ड, बट अगर हमको समझना हो अच्छे से तो समझ लीजिए, निमोनिया बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, फंगस के कारण होने वाला फेफड़ों का एक संक्रमण है, यह एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है, समझ गए। जब निमोनिया किसी को होता है तो फेफड़ों में सूजन आ जाती है, समझ गए, और फेफड़ा के अंदर मौजूद छोटी वायु कोशिकाएं, मतलब जो एल्वोली होती है, वायु कोशिका जो होता है, वायु कोष्ठक यानी एल्वोली में तरल पदार्थ भर जाता है, तरल पदार्थ भरने से सूजन आ जाता है और जिससे व्यक्ति को सांस लेने में मुश्किल होने लगता है। तो डिटेल में मैंने आपको निमोनिया के बारे में समझा दिया कि पहला तो निमोनिया का क्या होता है कि निमोनिया के जो पैरेन्काइमा वाला जो ऊतक है ना, उसमें इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाता है, उसी को निमोनिया कहते हैं। नेक्स्ट अगर और समझना हो तो निमोनिया बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, कवक के कारण होने वाला एक संक्रामक बीमारी है, ठीक है। जब निमोनिया किसी को होता है तो फेफड़ा में सूजन आ जाता है, फेफड़ा के अंदर जो एल्वोली होती है, जो वायु कोशिका होता है, वायु कोष्ठक, उसमें तरल पदार्थ का जमावड़ा हो जाता है यानी भर जाता है, जिसके कारण ही जो है फेफड़ा में सूजन आ जाता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में मुश्किल होती है।
अब आप लोग को एलबोली अगर अभी तक नहीं पता हो तो पता कर लीजिएगा। जैसे यह फेफड़ा है, ठीक है, इसके अंदर छोटी छोटी ब्रोंकिया आया हुआ है, ब्रोंकियाज, तो इसमें ब्रांचेज के साथ में गुच्छा के तरह एक एलबोली जो है लगा होता है। सब में जो है वायु कोष्ठक होता है जिसमें वायु आकर स्टोर होता है, तो इसमें तरल पदार्थ जो है भर जाता है, इसके आसपास तरल पदार्थ जो है भर जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को श्वास लेने में परेशानियाँ होती है और फेफड़ों में सूजन आ जाता है। ओके, देख लिए यहाँ पे इंग्लिश दे दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके कारण, कारण में अभी ऊपर आप लोग देखे हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सबके कारण होता है। तो बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया है, तो यह कॉकी वाला जो बैक्टीरिया आप लोग पढ़े हैं, कॉकी वाला, उस ग्रुप के बैक्टीरिया के कारण होता है। जैसे डिप्लोकोकस निमोनियाई, ठीक है, याद रखिएगा डिप्लोकोकस निमोनियाई, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, यह बैक्टीरिया है, यह दो बैक्टीरिया है, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और निमोनियाई इसका लगा दीजिएगा। तो ये तो हो गया बैक्टीरिया। अब वायरस में साइटोमेगला वायरस होता है, एडिनो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, पैरामैक्सिको वायरस होता है, तो यह सब जो है आपको होता है, ठीक है, वायरस के कारण। अब रही बात कवक की, तो कवक में कैंडिडा प्रजाति के एस्प्रिलगस, देख लीजिए, हिस्टेप्लेमोसिस, ठीक है, हिस्टेप्लाज्मोसिस, हिस्टेप्लाज्मोसिस है। उसके बाद देख लीजिए एस्परगिलस है, ठीक है, एस्परगिलस, कैंडिडा प्रजाति के एस्परगिलस और हिस्टेप्लाज्मोसिस, यह याद रखिएगा। मुख्यतः यह तीन जो है उत्पन्न करता है, बैक्टीरिया, वायरस और कवक, निमोनिया उत्पन्न करता है। बैक्टीरिया का डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, वायरस में एडिनो वायरस, साइटोमेगला वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरामैक्सिको वायरस। कवक की बात करेगा तो कैंडिडा प्रजाति के एस्परगिलस और हिस्टेप्लाज्मोसिस। ओके, कोई दिक्कत नहीं, तो ये तीन हो गया इसका मुख्यतः। अब कुछ कुछ सहायक कारण भी हो सकते हैं, जैसे स्मोकिंग करना, ठीक है, एल्कोहल ड्रिंकिंग करना, वायु प्रदूषण, गंभीर कुपोषण, गंभीर संक्रमण, भीड़ भाले इलाके में रहना और एड्स, ये सब भी जो है आपके कारण बन सकते हैं आपके निमोनिया होने का। और मैं अभी बता देता हूँ, निमोनिया ज़्यादातर बच्चों में प्रभावित करता है, बट यह वृद्ध और वयस्कों में भी हो सकता है, लेकिन वृद्ध में यह ज़्यादा होता है 60-65 वर्ष के बाद, ठीक है। तो ज़्यादातर निमोनिया बच्चे वाले में प्रभावित करता है, और मैं अभी ही बता देता हूँ, निमोनिया क्वेश्चन बच्चे में भी जो है आपको हो जो है पूछे जाएंगे। निमोनिया जो है बच्चे में भी पढ़ना है, चाइल्ड हेल्थ में, तो वहाँ पे मैं नहीं पढ़ाऊँगा, यहीं पर आप लोग पढ़ लीजिए। और वहाँ पे बच्चे के हिसाब से जो है आपको कुछ नहीं करना है, सब समान है, बस जो दवाई देंगे ना उसमें थोड़ा सा डोज बदल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बच्चा के रिलेटेड है, और जो नर्सिंग केयर देंगे वह बच्चे से संबंधित देंगे, बस दूसरा सब चीज़ समान होगा, कारण लक्षण सब समान होगा, ठीक है। तो यहाँ भी निमोनिया पढ़ना है बच्चा वाला, देखिए बहुत चीज मेडिकल सर्जिकल में जो पढ़ना है ना वह बच्चे वाला में भी पढ़ना है। तो जो यहाँ हम पढ़ा देंगे वहाँ नहीं पढ़ाएंगे, और जो चाइल्ड हेल्थ में पढ़ा देंगे अगर वो यहाँ भी है तो यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, सीधा निकल जाएंगे छोड़कर। तो आपको फालतू में दो दो जगह पर पढ़ने से क्या फ़ायदा, एक ही जगह मजबूत कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो बीमारी बच्चा में हो सियाना में भी तो हो सकता है ना, और जो सियाना में हो बच्चों में भी हो सकता है, इसलिए दोनों में पढ़ना है। तो आपको ध्यान देना है, मैं आपको ज़्यादा जो है टाइम नहीं खींचूंगा दोनों जगह कराकर, ठीक है। कारण जान गए ना कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उसके बाद धूम्रपान, शराब पीना, वायु प्रदूषण, गंभीर कुपोषण, गंभीर संक्रमण, भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं, एड्स, ये सब जो है कारण है, ठीक है। ऊपरी श्वसन मार्ग का संक्रमण, जैसे लेरेंजाइटिस, साइनोसाइटिस, ठीक है, ये सब ऊपरी मार्ग का संक्रमण है, तो उसके कारण भी जो है आपके हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद है, आगे कारण है कि इम्यूनो सिप्रेसिव थेरेपी, अगर इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाला थेरेपी ले रहे हैं तो यह भी कारण बनता है, एंड निर्जलीकरण अगर बहुत ज़्यादा रहते हैं तो यह भी कारण बन जाता है। तो ये सब जो है आपके कारण होते हैं, टोटल मैंने बता दिया। अब ये 13 कारण है, इसमें से मान गए आपको 10 कारण भी याद रहता है तो अच्छी बातें हैं। ओके, चलिए लक्षण अब हम इसका देखेंगे। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि फेफड़ा हो, श्वसन से संबंधित कोई भी बीमारी हो, लक्षण तो उसमें लगभग लगभग समान ही लक्षण दिखाई देगा, चाहे आप ब्रोंकाइटिस पढ़े हैं, चाहे अस्थमा पढ़े हैं, ठीक है ना, सब में लक्षण तो एक ही जैसे होगा। तो आपको ये घबराना नहीं है कि हम किसका लक्षण कहाँ लिखे कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं, सब श्वसन से ही रिलेटेड है, सब फेफड़ा से ही रिलेटेड है, फेफड़ा श्वसन से ही रिलेटेड है। तो अगर समस्या अगर कहीं एक जगह ब्रोंकाइटिस देख लिए, अस्थमा देख लिए, तो आगे कहीं भी देखें आप फेफड़ा या श्वसन से रिलेटेड समस्या, लगभग सब में कारण और लक्षण एक समान ही होगा, ठीक है ना।
तो देख लीजिए, यहाँ भी खांसी होगा, फीवर होगा, भूख नहीं लगेगा, गले में खराश दर्द होगा, बलगम अधिक आएगा, सांस लेने में परेशानी होगी, मांसपेशीय में दर्द होगा। जब सांस लेने में परेशानी होगा तो मांसपेशी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दर्द तो होगा ही होगा ना, कमजोरी, थकान होगा और प्लूराइटिस, चेस्ट पेन होगा, मतलब फेफड़ा के साइड में जो है आपके चेस्ट में दर्द होंगे। तो यह सब लक्षण है, आप लोग देख लीजिए, कोई खास नहीं है। पहले जो आप पढ़े हैं वो अभी भी है, खांसी बुखार, भूख न लगना, गले में खराश दर्द, बलगम अधिक, सांस लेने में परेशानी, मांसपेशीय में दर्द, कमजोरी, थकान, प्लूराइटिक चेस्ट पेन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए निदान की बात किया जाए। अब इसका निदान क्या क्या होगा माय डियर, डायग्नोसिस इसमें क्या क्या है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। हिस्ट्री लेना किसी भी बीमारी के लिए कॉमन निदान है, शारीरिक परीक्षण भी सब में कॉमन निदान है, यह तो लिखेंगे ही लिखेंगे सभी बीमारी में। उसके बाद चेस्ट के आसपास प्रॉब्लम है तो एक्सरे होगा, ब्लड टेस्ट होगा, लंग्स का बायोप्सी किया जाएगा, ठीक है, WBC के टेस्ट किया जाएगा, ब्रोंकोस्कोपी, क्योंकि संक्रमण होते ही WBC कमने लगता है, ठीक है ना, ब्रोंकोस्कोपी किया जाएगा, ब्रोंकिया का स्कोपी होता है, स्पूटम परीक्षण किया जाएगा, ठीक है ना, और ABG आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है ना, आर्टेरियल ब्लड गैसेज का एनालिसिस किया जाता है। तो यह सब जो है इसका हो गया, टेस्ट कहिए या डायग्नोसिस कहिए, ये सारा के सारा जो है यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको आराम से जो है पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको टोटल पढ़ा दिया, अब यही सब टेस्ट जो है आगे, अगर आप टीवी देखिएगा, टीवी पल्मोनरी टीवी, तो वहाँ भी ये सब टेस्ट था, अस्थमा आप लोग देख चुके हैं, वहाँ भी इसी समय से टेस्ट था, तो ये सब आपके आसान होते हैं, ठीक है। चलिए अब जटिलता क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, चलिए कॉम्प्लिकेशन को बता देते हैं। कॉम्प्लिकेशन के मतलब है कि अगर इलाज ना कराया जाए या ध्यान ना दिया जाए तो धीरे धीरे यह भयंकर रूप ले लेता है, उसी को हम लोग जटिलता कहते हैं। तो फेफड़ों में तरल पानी भर जाना, प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा, इसका जटिलता यही होगा कि फेफड़ा में पानी यानी तरल भर जाएगा तो ये जो है आपके हो जाता है प्लूरल इफ्यूजन। फेफड़ों में मवाद का बनना एम्पाइमा, फेफड़ों में मवाद बन जाता है जिसे एम्पाइमा हम लोग कहते हैं। फेफड़ों में घाव बनना, लंग में एब्सेस हो जाता है, रक्त में ऑक्सीजन की गंभीर कमी होने लगता है, हाइपोक्सीमिया होने लगता है, ठीक है। श्वसन तंत्र का असफल होना, रेस्पिरेटरी फेल कर जाएगा, एंडोकार्डाइटिस मतलब जो हृदय का आंतरिक लेयर है उसमें समस्या आने लगेगा, और लास्ट में गंभीर स्थिति में मृत्यु भी हो सकता है। तो देख सकते हैं ये सब तो फेफड़े से ही रिलेटेड है, ये ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, श्वसन असफल हो जाएगा, और चूंकि हृदय और लंग्स जो है आसपास ही रहता है तो उसका संक्रमण हृदय में भी आ सकता है, यानी हृदय के आंतरिक लेयर में इंडोकार्डाइटिस में, और मृत्यु भी इसका संभव है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसमें उपचार क्या होगा माय डियर, तो इसके उपचार में आप लोगों को पता है कि यह ज़्यादातर संक्रमण से होगा, तो इसके लिए एंटीबायोटिक थेरेपी जो है दिए जाते हैं, जैसे कॉजेटिव ऑर्गेन के आधार पर, मतलब कॉजेटिव ऑर्गेन का मतलब होता है कि जो कारण है, जिस कारण से, उस कारण के आधार पर, उस अंगों के आधार पर जो है एंटीबायोटिक दिया जाता है, ठीक है। और पेंसिलिन भी दिया जा सकता है, चूँकि यह एक ड्रग ऑफ च्वाइस हो सकता है, पहली पसंद हो सकता है एंटीबायोटिक में। मैक्रोलाइड दिया जाता है, और मैक्रोलाइड जो होता है वह आपके एंटीबायोटिक दवाओं का ग्रुप होता है। मैक्रोलाइड में 3-4 ग्रुप आता है, एक तो आपको एरिथ्रोमाइसिल हो जाता है, एक एजिथ्रोमाइसिल हो जाता है, ठीक है ना, तो ऐसे ही करके 3-4 जो है एंटीबायोटिक ग्रुप का जो है हम लोग मैक्रोलाइड कहते हैं। तो यह 7 से 10 दिन तक जारी दिया जा सकता है। अन एंटीबायोटिक में एरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, एम्पीसिलिन, जेंटामाइसिन, यह सब भी जो है दिया जा सकता है समस्या के अनुसार, ठीक है। उसके बाद अगर वायरल इन्फेक्शन है, फेफड़ा में वायरल समस्या के कारण है, मतलब वायरस के कारण है, यह सब है आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए, वायरस के इन्फेक्शन के लिए होता है एंटीवायरल, और एंटीवायरल में एसाइक्लोवीर होता है, ठीक है। उसके बाद रिमेनेटाइडिन होता है, एमिनेटाइडिन होता है, ठीक है ना, और गैनसिक्लोविर होता है, गैनसिक्लोविर, एसाइक्लोविर, रेमेनेंटाइडिन, एमेनेटाइडिन, ये याद रखिएगा, ठीक है, एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन, ठीक है, रिमेंटाडिन और रिमेंटाडिन और एमेंटाडिन, एसाइक्लोविर और जेंसिक्लोविर, ये याद रखिएगा, ये सब एंटीवायरल यानी वायरस के विरुद्ध काम करता है। ओके, अगर वायरस के कारण अगर किसी को हृदय फेफड़ा में प्रॉब्लम है तो उसको ये सब दिया जाता है। चेस्ट फिजियोथेरेपी कराया जाता है सूजन वगैरह को कम करने के लिए। रोगी को ब्रोंकोडिलेटर भी दिए जा सकते हैं अगर श्वसन में प्रॉब्लम है तो,
चूँकि यह ब्रोंकिया को फैला के श्वसन को आराम दिलाता है, ठीक है। रोगी को इंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन भी किया जा सकता है, मतलब ट्रेकिया के अंदर एक पाइप डाल के जो है इंक्यूबेशन होता है वह जो है किया जाएगा, ठीक है ना। रोगी को ओटू थेरेपी दी जाती है, यानी ऑक्सीजन कम होने पर ऑक्सीजन दिया जाता है, और आवश्यकता अनुसार एंटीपायरेटिक बुखार के लिए, एनाल्जेसिक दर्द वगैरह के लिए, और एंटी हिमेटिक्स उल्टी के लिए जो है दिया जाता है। तो यह सब जो है आपके उपचार हो गए। उपचार में नॉर्मली इसमें ज़्यादातर जो है काम करता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एक तो कॉजेटिव ऑर्गेन के आधार पर दिया जाता है, उसमें पेंसिलिन ड्रग ऑफ च्वाइस होता है, मैक्रोलाइड जो है आपके ये भी एंटीबायोटिक दवाओं का समूह का ग्रुप होता है, जिसको 7 से 10 दिन तक दिया जाएगा, और कुछ अन्य एंटीबायोटिक एरिथ्रो, एमेक्सी, एम्पीसिलिन, जेंटा, ये सभी दी जा सकती है। रही बात एंटीवायरल के लिए, तो एसाइक्लोविर, रेमेंटाडाइन, रेमेंटाडीन, एमेंटाडीन और गैनसिक्लोविर, यह हो गया एंटीवायरल जो वायरस के विरुद्ध काम करेगा। अगर अब नेक्स्ट है चेस्ट फिजियोथेरेपी, रोगी को ब्रोंकोडिलेटर, एंडोट्रेकियल इंटूबेशन किया जाएगा, ओटू थेरेपी भी दी जाती है, और आवश्यकता अनुसार बुखार का, दर्द का और उल्टी के लिए भी दवाइयां दे सकते हैं, ठीक है। चूंकि लक्षण में देखे हैं कि बुखार होगा, उल्टी होगा, ठीक है ना, दर्द होगा, तो यह सब के लिए दवाइयाँ आवश्यकता अनुसार है। अब रही बात नर्सिंग प्रबंध का, तो माय डियर अभी ऊपर आप लोग देखे हैं लक्षण में जो जो चीज़ें होता है उसका ही हम प्रबंध कर देंगे तो हमारा नर्सिंग प्रबंध जो है हो जाएगा। तो यह नर्सिंग प्रबंध जो है आपको मैं बार बार बताता हूं कि आप मेन 4 से 5 समस्या को ढूंढिए और उसका प्रबंध बता दीजिए। अगर ऐसे नहीं हो पाता है तो 10 से 15 लाइन लक्षण और कारण पर आधारित आप नर्सिंग प्रबंध लिख दीजिए, वही आपका जो है हो जाएगा। तो बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जो है श्वसन से संबंधित जो नर्सिंग प्रबंध होगा श्वसन वाले बीमारियों के लिए, मैं उसका एक वीडियो दे दूंगा, आप लोग टोटल बीमारी में वही नर्सिंग प्रबंध लिख दीजिएगा। देख सकते हैं सब में वही है, ऊपर भी आप लोगों को पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो ये सब जो है आप लोग इसको देख सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे इंग्लिश हिंदी सब दिया गया है, बाकी जिनको प्रॉब्लम हो पीडीएफ में दिया है नर्सिंग प्रबंध, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बार बार बताने से, टाइम लैप्स करने से कोई फायदा नहीं है। अब हम आते हैं इधर, एक क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जा सकता है, चलिए देख लेते हैं। COPD, इनके कारण लक्षण निदान जटिलता बताना है। COPD, माय डियर, COPD जो होता है यह एक बीमारियों, श्वसन से संबंधित बीमारियों का एक ग्रुप है, समूह है, ठीक है, जिसमें लगभग 2 मुख्यतः और 4 ऐसे कहे जाएँ तो पाया जाता है बीमारी, ठीक है। COPD को हम लोग फुल फॉर्म में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सी क्रॉनिक, ओ ऑब्स्ट्रक्टिव, पी पल्मोनरी, डी डिजीज, यानी फेफड़े के अवरुद्ध होने वाला यह एक रोग होता है जो क्रॉनिक टाइप का होता है, मतलब लंबे समय इसका बीमारी होता है, इसीलिए इसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहा जाता है, ओके। अब चलिए इसके आंसर को अच्छे से जान लेते हैं हम लोग। यह एक श्वसन से संबंधित बीमारियों का एक समूह है। मैंने पहले ही बताया कि यह एक बीमारियों का समूह होता है COPD। अगर किसी को COPD होता है तो उसको कोई एक जो है श्वसन का समस्या नहीं होगा, उसमें अस्थमा भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, और एम्फाइस्मा भी हो सकता है, समझ गए। तो याद रखिएगा COPD जो है यह एक श्वसन से संबंधित बीमारियों का समूह है। यह बीमारी श्वसन प्रक्रिया को बाधित करता है, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधित करना, अवरुद्ध करना। तो यह श्वसन के प्रक्रिया को, ठीक है, बाधित करता है। यह एक प्रगतिशील बीमारी है, यानी प्रोग्रेसिव डिजीज है, और यह एक क्रॉनिक टाइप का होता है, मतलब यह एक जीर्ण बीमारी है, जीर्ण रोग है, ठीक है। तो COPD समझ गए कि यह एक श्वसन से संबंधित बीमारियों का समूह है जो जीर्ण के रूप में होता है, क्रॉनिक रूप में होता है, और यह बीमारी श्वसन प्रक्रिया को बाधित करता है, और यह एक प्रगतिशील बीमारी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो समूह है बीमारी का, वह बीमारी कौन कौन सी है? तो मुख्यतः इसमें 4 बीमारी होते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 बीमारी इसमें सबसे प्रमुख होते हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं, इंग्लिश भी यहाँ पे ऊपर दे दिए गए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अस्थमा यहाँ पे देख लीजिए, अस्थमा होता है बीमारी एम्फाइस्मा, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकिएक्टेसिस, ठीक है, ब्रोंकिएक्टेसिस। यह 4 बीमारी नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें से यह ब्रोंकाइटिस और यह एम्फाइस्मा, यह 2 ही प्रमुख जो है होता है COPD का, ठीक है।
कहने के लिए हम इसमें चार कह सकते हैं, चार थोड़ा बोरा होता है, लेकिन दो प्रमुखता होता है, ठीक है, दो प्रमुखता में एम्फाइसमा और ब्रोंकाइटिस, ओके। और बात किया जाए ये दो के बाद एक अस्थमा भी होता है और एक ब्रोंकी एक्टेसिस भी होता है। तो यह चार बीमारी आप लोग लिख दीजिएगा कि यही चार बीमारी और ये चारों बीमारी श्वसन का ही है, ठीक है। अस्थमा भी श्वसन के था, श्वसन से संबंधित ही था, एम्फाइसमा भी आगे देखिएगा श्वसन से ही संबंधित है, ब्रोंकाइटिस देख चुके हैं यह भी श्वसन से ही संबंधित था, ठीक है, और ब्रोंकी एक्टेसिस भी, यह भी श्वसन का ही बीमारी है। तो ब्रोंकिया, अस्थमा, पल्मोनरी, ये सब शब्द श्वसन के लिए ही होता है और उसका ही समस्या होता है, ओके। चलिए चारों बीमारी का नाम याद रखिएगा, अस्थमा, एम्फाइसमा, और मैं बता देता हूँ एम्फाइसमा का मतलब होता है कि पल्मोनरी में, पल्मोनरी का जो वायु कोष होता है ना, वायु कोष एल्वोली, उसमें हवा का भर जाना, ठीक है। अगर तरल भर जाएगा तो इफ्यूजन हो जाएगा, पुलरल इफ्यूजन हो जाएगा। अगर जो मेरा क्या बोलते हैं उसको, जो पुलरल कैविटी होता है जहाँ पे फेफड़ा रहता है, उस फेफड़ा में के कैविटी में अगर तरल भर जाएगा तो वह जो है क्या हो जाएगा, पुलरल इफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर फेफड़ा में अगर वायु भर जाएगा तो वह एम्फाइसमा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी अस्थमा आप लोग समझते हैं, यह ब्रोंकाइटिस समझते ही हैं, यह ब्रोंकी एक्टेसिस होता है, यह भी आपको जानना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सब चारों बीमारी के नाम याद रखिएगा, बहुत आसान है। अब हम इसके कारण को ढूंढेंगे कि किन किन कारणों से जो है यह चीज़ें हो सकता है। तो माय डियर, आपको अस्थमा पढ़ा चुके हैं, ब्रोंकाइटिस पढ़ा चुके हैं, तो आप सोचिए अस्थमा और ब्रोंकाइटिस किन किन कारणों से होता है, वही कारण यहाँ पर हो जाएगा, चूँकि यह उसी सब बीमारी का समूह है, तो वही सब कारण यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने में, नहीं अगर विश्वास हो रहा है देख लीजिए क्या क्या कारण होता है। धूम्रपान, क्या हम लोग अस्थमा में या ब्रोंकाइटिस में नहीं पढ़े हैं कि धूम्रपान भी कारण होता है? तंबाकू का सेवन करना नहीं पढ़े हैं? एलर्जिक रिएक्शन अस्थमा में पढ़े हैं ना? व्यावसायिक बीमारी, ऑक्यूपेशनल डिजीज, जैसे रुई धुनने वाला फैक्ट्री में, पत्थर फैक्ट्री में, कोयला फैक्ट्री में, ये सब में काम करता है तो ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है। दीर्घकालीन श्वसनीय संक्रमण, क्रोनिक रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, एयर प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जीनेटिक कारण, तो यह सब कारण है। ये सब कारण आपको हर एक जो है बीमारी श्वसन वाले में संभव है, लिख दीजिएगा तो सही ही होगा, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, एलर्जी होना, व्यावसायिक बीमारी, दीर्घकालीन श्वसन का समस्या, वायु प्रदूषण होना, जीनेटिक्स कारण, यह सब जो है आपके COPD का कारण बनता है या अन्य श्वसन वाले बीमारियों का कारण बनता है, ठीक है। तो जिनको अगर, अब लक्षण क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि यह एक क्रॉनिक श्वसन का, यह एक क्रॉनिक बीमारी है, इसमें एक बीमारियों का लक्षण होता नहीं है, इसमें अलग अलग श्वसन के बीमारी का लक्षण है, तो यह क्रॉनिक बीमारी है। ऊपर ही बता चुके हैं कि यह दीर्घकालीन बीमारी है श्वसन का, तो यह दीर्घकालीन खांसी भी रहेगा, जब श्वसन में होता है, जब श्वसन में तकलीफ होगा तो खांसी होता ही है, तो दीर्घकालीन क्रोनिक कफ भी होगा, सांस लेने में परेशानी भी होगा। अब चूंकि यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि अस्थमा वाले को श्वसन में प्रॉब्लम होता है, और जैसे ही श्वसन में प्रॉब्लम होगा, श्वसन में आप जोर लगाएंगे, जल्दी जल्दी श्वसन लेंगे, तो हो सकता है उसके कफ में जो है आपको बलगम में जो है ब्लड आने लगे, इसे हम लोग हीमोप्टाइसिस कहते हैं। देखिए अगर पी लगा है तो यह हो जाएगा स्पूटम में रक्त आना, यानी कफ में ब्लड आना, थूक में ब्लड आना, लेकिन अगर रक्त का उल्टी होगा या उल्टी में रक्त आएगा तो उसे हेमेटोमेसिस कहते हैं, ठीक है, हेमेटोमेसिस कहते हैं, ओके। श्वसन दर धीमी हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, श्वसन धीरी हो जाता है श्वसन बीमारी वाला को। शरीर का नीलापन, यानी जैसे ही श्वसन नहीं लेगा, श्वसन में कष्ट होगा तो शरीर तो नीलापन होगा ही होगा। बैरल शेप चेस्ट, जो चेस्ट है उसका शेप बैरल समान हो जाएगा, बेचैनी और थकान रहने लगेगा, वजन में कमी आएगा, भूख नहीं लगेगा, ठीक है, थकान महसूस करेगा, बेचैनी होगा, तो यह सब माय डियर लक्षण होता है श्वसन से संबंधित बीमारी का। एक बार और देखिए, क्रॉनिक कफ रहेगा, लंबे समय से कफ होने का, सांस लेने में परेशानी, स्पूटम यानी बलगम में रक्त आएगा, श्वसन जो है दर वह धीमा हो जाएगा सामान्य से, शरीर अब जैसे ही श्वसन धीमा हो जाएगा तो शरीर में ऑक्सीजन कमेगा, यानी शरीर नीलापन यानी साइनोसिस होगा। चेस्ट जो है बैरल शेप में हो सकता है, बेचैनी और थकान रह सकता है, और वजन कमने लगे, फीवर हो सकता है, सर्व चक्कर आ सकता है, कमजोरी हो सकता है, रक्त में कमी आ सकता है, तो यह सब जो है आपके जो है लक्षण होते हैं, ठीक है।
मैंने लक्षण बता दिया। अब इसमें टेस्ट कौन कौन सा, निदान कौन कौन सा, डायग्नोसिस होगा आपके सामने में। निदान है हिस्ट्री ट्रैकिंग, हिस्ट्री मतलब इतिहास लेना, किसी भी बीमारी में हिस्ट्री लेना, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, यह तीन ऐसा है जाँच है जो लिख दीजिएगा किसी भी बीमारी में तो सही ही होगा, ठीक है। बाकी चेस्ट एक्सरे, चूँकि यह श्वसन वाला प्रॉब्लम है तो श्वसन हमारा फेफड़ा चेस्ट के आसपास ही है तो चेस्ट का एक्सरे होगा, ठीक है। उसके बाद है पीएफटी कैसा काम कर रहा है, ठीक है ना। पीएफटी मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, मतलब फेफड़ा कैसा काम कर रहा है उसके फंक्शन को टेस्ट किया जाएगा। एबीजी का एनालिसिस होता है, मींस आर्टेरियल ब्लड गैस। अब आप लोग एक चीज़ नोट किए होइएगा कि जितना भी चाहे वो अस्थमा हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, चाहे वो अभी आप पढ़ रहे हैं ऊपर में निमोनिया, इस समय आप देखे होइएगा कि एबीजी सब में है, सब निदान में एबीजी है। तो इसका मतलब होता है कि आर्टेरियल ब्लड गैस या श्वसन वाले बीमारी में टेस्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कंप्यूटेड टोमोग्राफी मतलब सीटी होता है, सीटी स्कैन जिसको हम लोग बोलते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी उसका फुल फॉर्म होता है। तो यह सब जो है निदान है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर COPD पूछेगा तो आपको यहाँ पे ये सब पूछेगा ही पूछेगा, ओके। चलिए अब माय डियर, जटिलता पूछ रहा है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन मतलब होता है कि अगर कोई बीमारी है उसका ट्रीटमेंट ना कराया जाए, देखभाल ना किया जाए, तो वह बीमारी जो है जटिल रूप ले लेता है, मतलब भयंकर रूप ले लेता है, वही जटिल हो जाता है। तो अगर COPD का अगर देखरेख नहीं किया जाएगा तो किसी व्यक्ति में क्या क्या जटिलता होगा, तो रिस्पायरेटरी इनसुफिशियंस मतलब जो श्वसन है वह जो है क्षमता उसमें कम जाएगा, श्वसनीय क्षमता कम जाएगा, ठीक है। रेस्पायरेटरी फेलुअर, श्वसन जो है फेल कर जाएगा। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन मतलब जो आपका फेफड़ा है उसमें जो दबाव है वह तनाव बढ़ जाएगा। तो यह सब जो है आपको आपको प्रॉब्लम है और मृत्यु भी इसका जो है जटिलता हो जाता है। तो आप इस सब चीज़ को लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे बता दिया। और सारे जटिलता लिख सकते हैं आप लोग इसमें, कि चूँकि जब अस्थमा का जटिलता और सारा हो सकता है, निमोनिया का जटिलता और सारा हो सकता है, तो COPD तो ये दो तीन समूह बीमारियों का समूह है, तो यहाँ पर तो और जटिलता होगा। तो यहाँ पर तीन जटिलता दे दिए हैं, रिस्पायरेटरी इनसुफिशियंस, रिस्पायरेटरी फेलुअर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब इसके बाद और लिख दीजिएगा, डेथ भी इसमें चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये सब जो है चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं, ओके। तो ये जो है आप लोग लिखिएगा, और मैं यहाँ पे आपको बता दिया, दोनों प्रश्न अच्छे से करा दिया। आज हम लोग क्या पढ़े हैं, COPD, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD पढ़े हैं, और एक पढ़े हैं हम लोग निमोनिया, ठीक है, निमोनिया पढ़े हैं, ओके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, तो मैंने आपको अच्छे से जितना हो सका बता दिया। पढ़ने वाले पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने वाले के लिए जो है कितना भी कर लीजिए नहीं पढ़ पाएंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और PDF डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप हिंदी इंग्लिश दोनों वाले अपना मेहनत कर लीजिए दोनों के लिए, ठीक है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।